महाराष्ट्र में सरकार गठन के 40 दिन बाद 9 अगस्त को एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार हुआ। बीजेपी और शिंदे गुट के 9 विधायक मंत्री बने, लेकिन विभागों के बंटवारे पर पैंच फंसा रहा। अब मंत्रियों को विभाग सौंप दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को गृह और वित्त मंत्रालय मिला है। महाराष्ट्र में होम और फाइनेंस ताकतवर विभागों में गिने जाते हैं। सरकार में सीएम शिंदे को बनाते वक्त ही ये लग रहा था कि भाजपा राज्य में सत्ता के ताकत वाले विभाग अपने पास ही रखना चाहेगी। हुआ भी ऐसा ही। गृह और फाइनेंस दोनों ही विभाग फडणवीस के पास होने का मतलब है कि राज्य की पावर और पैसा उनके पास रहेगा। महाराष्ट्र में शपथ लेने वालों में बीजेपी की ओर से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, राधा कृष्ण विखे पाटिल, गिरीश महाजन, सुरेश खाड़े, रविंद्र चौहान, मंगल प्रभात, विजय कुमार गावित और अतुल साबे शामिल थे। वहीं एकनाथ शिंदे खेमे से दादा भोसे, उदय सामंत, गुलाब राय पाटिल, तानाजी सावंत, संजय राठौर और संदीपन भूमरे शामिल थे। बता दें, शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने पार्टी के अन्य विधायकों के साथ मिलकर उद्धव सरकार को गिरा दिया था। इसके बाद 30 जून को एकनाथ शिंदे ने खुद सीएम पद की शपथ ली। साथ ही बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम के रूप में पदभार संभाला था। तभी से दोनों दो सदस्यीय कैबिनेट के रूप में काम कर रहे थे। इसे लेकर विपक्ष भी हमलावर था। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल के विस्तार के अलावा अब शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के बीच शिवसेना किसकी होगी, इस बात को लेकर भी जंग तेज होने वाली है।